अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे रियलमी 3 की। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं अपना बॉक्स ओपन कर लेता हूँ और ये हमारे पास रियलमी 3 3GB 32GB वेरिएंट है। ग्रेडियंट ब्लू कलर है इसका और इसकी जो प्राइस है वो हमारे पास 23,500 मार्केट में है, लेकिन ये हमें 22,000 तक मिल जाता है। तो यहाँ पे मैंने अपना बॉक्स ओपन कर लिया है। यहाँ पे मैं जो है सब ये फ़ोन को निकालता हूँ और इसको साइड पे रखता हूँ और सबसे पहले अपने बॉक्स में देखता हूँ कि हमें क्या क्या मिला है इसमें। यहाँ पे हमारे पास एक चार्जर है और एक जो हमारे पास इसकी चार्जिंग केबल है। तो ये इसके साथ हमें हैंड फ्री नहीं मिलती। चलें मैं अपने बॉक्स को साइड पे रखता हूँ और यहाँ पे हम जो है इसके जो एक छोटा सा बॉक्स दिया हुआ है उसके अंदर देखते हैं हमें क्या क्या मिला है। यहाँ हमारे पास कुछ यूज़र मैनुअल गाइड्स हैं और सॉफ्ट केस हैं। तो चलें हम जो है अपने फ़ोन को देखते हैं कि हमारा फ़ोन कैसा दिखने वाला है। तो ये हमारे पास काफ़ी शानदार, काफ़ी ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छा कलर है ग्रेडियंट ब्लू। तो दिखने में तो ये हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो प्राइस के हिसाब से भी ये बहुत ही अच्छा फ़ोन है। 22,000 पाकिस्तानी रुपीज़ में बहुत अच्छा मार्केट में फ़ोन जा रहा है ये वाला। तो मैं अपने फ़ोन को स्टार्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो है अपने फ़ोन को स्टार्ट कर लिया है रियलमी 3। डिज़ाइन के हिसाब से बात की जाए तो इसका डिज़ाइन भी हमारे पास बहुत प्यारा है। यहाँ पे ब्लू में और बहुत ही अच्छा कलर है इसका, काफ़ी प्यारा कलर है इसका। तो चलें मैं यहाँ पे अपने फ़ोन का सेटअप आ गया है, मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पे मैं पाकिस्तान सेलेक्ट करता हूँ तो कंटिन्यू। यहाँ पे मैं इसको स्किप कर देता हूँ फिलहाल और टर्म्स ऑफ यूज कंटिन्यू मोर और एक्सेप्ट। यहाँ पे मैं जो है इसको इसकी सेटिंग्स जो है स्क्रीन लॉक के लिए मैं इसका पासवर्ड लगाता हूँ कोई भी। तो मैंने अपना यहाँ पे डिफॉल्ट पासवर्ड यूज़ कर लिया। तो फेस अनलॉक का पूछ रहा है, अगर यहाँ पे हम अपना फेस अनलॉक ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे अपना फेस अनलॉक कर लिया है ऐड। और अब जो है हम अगर अपनी फिंगरप्रिंट वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो वो भी यहीं पे कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको कैंसिल करके सेटिंग में भी जाके कर सकते हैं। काफ़ी ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हमें जो है फिंगरप्रिंट से, काफ़ी फास्ट है इसका जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है। तो चलें यहाँ पे मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ और देखते हैं कि ये हमें कैसा दिखने वाला है, इसका जो हमें सॉफ्टवेयर मिलने वाला है वो कैसा है। यहाँ पे हमारे पास कलर OS 6 जो है इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। तो ये देखें जी, हमारे पास फोन सेटअप हो चुका है और एंड्रॉयड बेस कलर OS 6 इसका सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे मैं फ़ोन के अबाउट्स में जाके चेक करता हूँ कि ये हमारे पास अबाउट में क्या क्या है। 3GB 32GB इसकी स्टोरेज है, 3GB इसकी रैम है। और चलें तो मिड रेंज यूजर्स के लिए काफ़ी ही अच्छा फ़ोन है। और यहाँ पे मैं कैमरा टेस्ट छोटा सा कर लेता हूँ। बैक कैमरा जो है हमारे पास डुअल सेटअप के साथ 13 MP प्लस 5 MP दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं इसको टेस्ट करता हूँ एक Realme 3। तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट है इसका। बैक का कैमरा भी जो जूम करने से भी हमें अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। यहाँ पे सेल्फी टेस्ट भी हो जाए तो ये मैंने सेल्फी टेस्ट
सेल्फी ली है। सेल्फी कैमरा भी हमारे पास जो है 13 मेगापिक्सल है, अच्छा सेल्फी कैमरा भी हमारे पास। तो ओवरऑल मिड यूज़र्स के लिए ये अच्छा फ़ोन है, तो आप इसको बाय कर सकते हैं मार्केट से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।